देख रहे हो दीदी? दिखाई दे रहा है सब? हाँ जी, सबके हाथ दिखाई दे, वीडियो ऑन करके वेलकम करे सभी। थैंक यू, बहुत अच्छा दीदी। ये देश विदेश से है, सारे भारत से और विदेश से, सभी उमंग उत्साह से। कल से, गुरुवार से शुरू किया हमने ये विघ्न विनाशक भट्टी, और बाबा के कमरे में आकर आधा घंटा वो सभी करेंगे, ऐसा संकल्प है। जो नहीं कर पाएंगे वो अपने घर में जरूर करेंगे, ये सभी ने लक्ष्य लिया है, ठीक है ना? यस, ओके। तो इसलिए सभी में बहुत उमंग उत्साह है, 21 दिन में एक दिन भी खंडित नहीं होगा, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते सबके तरफ से, तो किसी का भी खंडित भी नहीं होगा। तो इसलिए अभी आप हमें इसके लिए वरदान दे। ओम शांति। ओम शांति। भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सभी ओम ने शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। अनम्यूट करे दीदी का, अनम्यूट करो दीदी। तो कि विघ्न जो आते हैं वो क्यों आते हैं? हरे के पास किसी के कम विघ्न होते हैं, किसी के ज्यादा विघ्न होते हैं। विघ्न भी अनेक प्रकार के हैं, क्योंकि जो हमारे विकर्म है, विकर्म जितने हमारे ज्यादा होंगे उतने विघ्न ज्यादा होंगे। बाबा रोज मुरली में कहता है, बच्चे मुझे याद करो, अपने विकर्मों को विनाश करो। जितने जितने हमारे विकर्म विनाश होते जाते हैं उतने विघ्न कम आते हैं। अगर हम बाबा को कम याद करेंगे तो ज्यादा आएंगे। व्यर्थ संकल्प के रूप में आते हैं, विकल्प के रूप में आते हैं, बाहर से भी आते हैं, मन से भी आते हैं, संबंध से भी आते हैं। संबंध को एक प्रकार के विघ्न तो नहीं होते हैं ना, कभी मनसा में ही ऐसे ऐसे संकल्प चलते हैं, कभी देहधारियों से संकल्प आते हैं, कभी ज्ञान में चलने वाले जो भाई बहनों उनसे विघ्न आते हैं, कभी हम जो कार्य करते हैं, जो स्थापना का कार्य करते हैं उसमें विघ्न पड़ते हैं, कभी हमारे अपने पुरुषार्थ में योग करने बैठते हैं तो माया विघ्न डालती है। अब विघ्नों को विनाश करने के लिए एक ही बाबा ने हम बच्चों को उपाय बताया है। विघ्नों को विनाश करने के लिए अपनी लगन की अग्नि को तेज करो। जितनी हमारी लगन बाबा से अच्छी होगी, यदि अग्नि बहुत तेज होती है तो उसमें जो भी चीज डालो विनाश हो जाती है ना, तो विघ्नों को खत्म करने के लिए एक याद, और वो याद भी कैसे हो, अग्नि के समान, योग अग्नि। तो बाबा कहते हैं जब तुम विकर्म विनाश तुम्हारे नहीं होते हैं तो विघ्न आते हैं, और ये तो अंत तक आएंगे। बाबा ने पहले ही मुरली में बता दिया है कि बच्चे माया तो आएगी, उसका काम है आना, आपका नाम है भगाना। क्योंकि उसका वो अपना काम नहीं छोड़ती तो हम क्यों छोड़ेंगे। तो जितनी हमारे में योग बल होगा तभी हम उन विघ्नों को विनाश कर सकते हैं। ज्ञान तो हमारे पास है परंतु योग बल नहीं है, शक्ति नहीं है, इसके कारण हम उनको विनाश नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि विघ्न आते हैं हमको आगे बढ़ाने के लिए। जैसे स्कूल में बच्चा पेपर देता है तो पेपर देकर आगे बढ़ता है ना, तो ये जितने भी विघ्न आते हैं ये हमको अनुभवी बनाते हैं। हमारे जो ब्रह्मा बाबा थे उनके सामने कितने विघ्न आए, शुरू से लेके जब से संस्था शुरू हुई तब से विघ्न आए, परंतु बाबा ने एक बल, एक भरोसा, एक शिव बाबा की याद के बल से उन विघ्नों को पार करते करते आज बाबा अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हुए। अगर हम भी
विघ्नों को विनाश करना चाहते हैं तो अपने विकर्मों को विनाश करते जाओ तो विघ्न कम आएंगे। दूसरा ये समझो कि ये विघ्न आए हैं मुझे अनुभवी बनाते हैं। आप किसी भी एग्जाम को पास करेंगे तो अनुभवी बनेंगे ना, तो हमारे बाबा के सामने जब विघ्न आते तो बाबा अपने अनुभव के आधार से हम बच्चों को भी मुरली में सुनाते थे। अगर हमारे सामने विघ्न आए हमने कैसे उसको पार किया हमारा भी अनुभव है, तो जो आगे आने वाले लोग हैं उनको भी हम सुना सकते हैं। तो विघ्न आना उसके लिए बाबा कहते हैं योग बल की जरूरत है। बच्चों की योग बल कमी है, हम ज्ञान तो बहुत सुनते हैं परंतु योग बल बहुत कम होने के कारण हमारे में वो शक्ति नहीं है जो उसको हम विनाश कर सके। तो उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है और घबराने की भी जरूरत नहीं है। विघ्न तो आएंगे, कभी छोटे पेपर होते हैं कभी बड़े पेपर होते हैं, सबके सामने आते हैं। जो महारथी से महारथी है उनके सामने भी विघ्न आते हैं। आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको छोटा पेपर मिलता है, जितने जितने हम आगे बढ़ते हैं हमारे बड़े बड़े पेपर आते हैं। और उनको विनाश करने के लिए जितना आप बाबा को गहराई से याद करेंगे, ध्यान से प्यार से याद करेंगे, योग अग्नि बन करके लगन की अगन को जला करके, बाबा कहते हैं बैठो, बैठक के योग की जरूरत है। चलते फिरते तो हम योग करते ही हैं, लेकिन ये जो भट्टी की है, भट्टी का मतलब ये है परिवर्तन। अगर हम किसी चीज को परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको बैठ करके तपस्या करनी चाहिए। उस तपस्या के बल से, योग के बल से उन विघ्नों को विनाश कर सकते हैं। तो आप जो ये बैठ के योग करेंगे आएंगे और विघ्न भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो विघ्न आते हैं और चले जाएंगे, जो चीज आई है चली जाएगी, लेकिन कई विघ्न ज्यादा होते हैं तो टाइम लेते हैं और कई विघ्न जल्दी कब चले जाते हैं। तो इसलिए विघ्नों को पार करने के लिए बाबा ने जो उपाय बताया है मुरली में, रोज बाबा हमको कोई ना कोई युक्ति बताते हैं। उस युक्ति से अगर हम उनको पार करेंगे तो सहज ही पार हो जाएगा। इसलिए मैं भी आप सभी को ये शुभावना शुभकामना देती हूँ कि आप भी योग भट्टी में बैठ के बाबा की याद में इतना पावरफुल योग करो कि सभी के विकर्म विनाश हो जाए और धीरे धीरे विघ्न भी खत्म हो जाए। इसलिए आप सबने इसका नाम रखा है विघ्न विनाशक। तो विघ्न विनाशक हमको बनना है। विघ्न आएंगे तो विनाश करोगे ना, नहीं तो क्या विनाश करोगे। इसलिए बाबा कहता है इसमें घबराने वाली बात नहीं है। विघ्न आया है खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो बाबा ने पुरुषार्थ हमको सुनाया है वो हम अपनाएं, उसको योग बल को बढ़ाएं और हम एक उमंग उत्साह में रहें। उसके लिए हमारी हमको कभी दिल शिकस्त नहीं बनना चाहिए। बाबा हमारा साथी है और साक्षी होके देखो, बाबा को साथी रखो और जो भी विघ्न आए हैं साक्षी होके देखते चलो। ड्रामा में जो कुछ होना है वो तो होना ही है, उसके लिए बाबा कहते हैं ये दो शब्द याद रखो, साथी और साक्षी। तो बाबा कहते हैं तुम बड़े आसानी से शांति से इन विघ्नों को विनाश करके पास वितानर बन जाएंगे और बाबा की जो लाज है, बाबा की जो आश है हम बच्चों के प्रति, वो हम पूर्ण करेंगे। तो यही मैं आप सभी को मांगी, योग बल की शक्ति को बढ़ाओ और बैठक के योग में बैठ के पावरफुल योग करो, जिससे आप खुद महसूस करेंगे कि ये विघ्न सभी धीरे धीरे विनाश हो जाएंगे और आप विघ्न विनाशक बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, हाँ ओम शांति दीदी। अभी आप
आपने बहुत शक्तिशाली और सार रूप में बड़ी गहरी बातें सचमुच सुना दी। तो जो आपने शुरू में सुनाया विघ्नों का, तो मुझे लगता है वैसे ही विघ्न अभी कम हो गए जो पहले लग रहे, क्योंकि अपने ही विकर्म है तो फिर, और प्लस व्यर्थ संकल्प है, तो हम जो बड़े बड़े सोचते ना कि ये विघ्न है, तो बहुत शक्तिशाली वरदान वरदानी बोल आपने हमको दिए। अभी आप उद्घाटन करो दीदी, कैची सामने रखना और उद्घाटन करना। म्यूजिक 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 अजय भाई म्यूजिक कैची है। ओके दीदी, उद्घाटन किया आपने, दीदी ने किया, सुनाई दिया दीदी को। उद्घाटन किया दीदी, हाँ हो गया उद्घाटन। इसमें तो आपको बहुत बहुत थैंक्स दीदी, आपके आने से पूरे सभा में ये फरिश्ता परिवार है आपका, तो इसमें पूरे चार चांद लग गए और ऐसे लग रहा है जैसे बड़ों की छत्र छाया के नीचे हम ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक तो क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट इसलिए सेंटर पे आना और करना, ये एक प्रोजेक्ट है, और ऊपर से सचमुच हमारे विघ्न नष्ट होते जाए ये भी फीलिंग है। तो जो आपने कहा, आपने हमें प्रेरणा दी, इस पर हम चलेंगे और इसी को हम एक लक्ष्य बना के 21 दिन फॉलो भी करेंगे। तो विघ्न अगर पाठ पढ़ाने आती तो वैसे ही विघ्नों का आह्वान है। इस तरह से सारे पॉइंट्स आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो पुनः आपका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको देख पा रहे हो? गैलरी व्यू दीदी का खोलना। ताकि दीदी सबको देख पाए, आप सबको दृष्टि दे रहे हैं। एक सेकंड साइलेंस में आप अपनी दृष्टि से सबको शक्तिशाली बनाए। देश विदेश के बाबा, आपके ये बाबा का परिवार इकट्ठा हुआ है, सभी वीडियो ऑन करके दृष्टि ले आदरणीय दीदी से। गीत चला
शुक्रिया करते हैं परमात्मा का जो हमेशा हमारी रक्षा। शुक्रिया शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया 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 ओ अल्लाह तेरा शुक्रिया। मुश्किलों से बचाने वाला तू प्राणदाता तेरा शुक्रिया 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 भीष्म तेरा शुक्रिया।